बस्ती वाटरगंज थाना के बक्साई गांव में नदी किनारे बीते 27 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिला था। इस हत्याकांड का पुलिस ने एक महीने के बाद खुलासा किया। हत्या के आरोपी पति राकेश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान गुड़िया के रूप में की गई है। बता दें, पुलिस की सक्रियता के चलते अलग अलग गाँवों में मृतका के पोस्टर चस्पा किए गए थे और पोस्टर देख मृतका की माँ ने पुलिस से संपर्क किया था और तहरीर दी थी। मृतका की माँ ने बताया था कि बेटी की शादी रुधौली थाना के हटवा बाजार में राकेश शर्मा से हुई थी, जो मेरी बेटी अक्सर को मारता पीटता था। वही हत्याकांड के खुलासे पर एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हत्याकांड का खुलासा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। पीछे 27 नवंबर को वाटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला जो अज्ञात महिला की लाश हम लोग को बरामद हुई थी, उसके संबंध में तुरंत तत्काल उसका पोस्टमार्टम करा करके उसमें 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस महिला की पहचान करना और उसके हत्या जिसने करी है उस अभियुक्त की पहचान करना हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई थी। इसमें हमारे थाना वाल्टरगंज की पुलिस और हमारे सीओ सदर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। जो महिला थी उसके पास में एक G55 तंबाकू की पुड़िया मिली थी। उस तंबाकू की पुड़िया के आधार पर हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया, उसको उन्होंने देखा कि ये G55 की पुड़िया जो है ये हमारे जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती में सुरतीहट्टा क्षेत्र से ही बनती है। इन्होंने वहाँ जा कर के पता किया कि उस G55 जो तंबाकू है वो उनका सप्लाई कहाँ कहाँ होता है, तो जे उसके बारे में जानकारी हुई कि हमारे जनपद बस्ती के मुंडेरवा और लालगंज और साथ ही संत कबीर नगर के दुधारा, खलीलाबाद, इन सब थानों में उनके मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर हम लोगों ने जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनसे संपर्क किया और उनसे मदद मांगते हुए जहाँ जहाँ वो फुटकर की दुकानों पर ये G55 की पुड़िया बेचते थे वहाँ वहाँ हमने मृतका के फ़ोटो लगाए। उस आधार पर जो मृतका की माँ है उसने उन फ़ोटो को पोस्टरों को देखा और पहचाना कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, तो उसने फिर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews।